हमारे YouTube चैनल हिंदू तीर्थ स्थल में आपका स्वागत है। आदरणीय भक्तों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और इस समय हमारे चैनल पर माता दुर्गा के 51 शक्ति पीठों के बारे में विशेष श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें सभी 51 शक्ति पीठों की जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हमारा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है आलोक तिवारी एस्ट्रोलॉजर। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आप उस चैनल पर जाकर के ज्योतिष एवं अध्यात्म की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आदरणीय भक्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने कन्याकुमारी शक्तिपीठ अथवा कन्या आश्रम शक्तिपीठ के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। 51 शक्तिपीठों में से कन्याकुमारी शक्तिपीठ को 28वां शक्तिपीठ माना जाता है। कहां स्थित है कन्याकुमारी शक्तिपीठ मंदिर? भारत भूमि के तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी नामक नगर में तीनों सागरों अर्थात अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम अर्थात त्रिवेणी सागर के तट पर स्थित है। माता सती का कौन सा अंग गिरा था? कन्याकुमारी शक्तिपीठ में माता का पृष्ठ भाग अर्थात पीठ का हिस्सा गिरा था। माता की शक्ति तथा भैरव का नाम क्या है? यहाँ स्थित माता की शक्ति का नाम शर्वाणी तथा भैरव का नाम निमिष है। कन्याकुमारी शक्तिपीठ मंदिर का इतिहास एवं शिल्पकला। कन्याकुमारी शक्तिपीठ का यह पावन मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तु शैली में बना हुआ है। मंदिर के चारों ओर चारों दिशाओं में चार दीवार हैं। मंदिर समुद्र तट से कुछ ही ऊंचाई पर है और इसके चारों ओर लगभग 18 से 20 फुट की दीवार है। गर्भगृह में माता की प्रतिमाएं स्थापित हैं। माता के नथ में हीरा जड़ा हुआ है जो दीपक के समान प्रकाश से सजे गर्भगृह में दूर से ही नजर आता है। ऐसी मान्यता है कि यह मणि है जिसे नागराज ने माता को अर्पित किया था। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार पर मंदिर का निर्माण पांड्य काल में हुआ था। विजयनगर, चोल, चेरी और नायक राजवंशों ने समय समय पर इस मंदिर का काया पलट करते रहे हैं। 18वीं शताब्दी में कन्याकुमारी का इलाका राजा मार्तंड वर्मा के राज त्रावणकोर का हिस्सा बन गया। उसकी राजधानी पद्मनाभपुरम यानी मौजूदा तिरुवनंतपुरम थी। लंबे समय तक त्रावणकोर का हिस्सा रहने के कारण आज भी यहाँ के मुख्य पुजारियों में केरल के नंबूदरी पाद ब्राह्मणों का वर्चस्व है। मंदिर के काले पत्थर के खंभों पर बारीक और आकर्षक नक्काशी किया हुआ है। मंदिर परिसर में माता रानी के अलावा गणेश, सूर्यदेव, अयप्पा स्वामी, काल भैरव, विजय सुंदरी और बाला सुंदरी के भी मंदिर स्थापित हैं। मंदिर परिसर में एक कुआं है जिसे मूल गंगा तीर्थम के नाम से जाना जाता है। इसे कुएं से माता के अभिषेक के लिए जल लाया जाता है। मंदिर का एक बड़ा आकर्षण नवरात्रि मंडप है जो अत्यंत आकर्षक एवं नक्काशी वाले 16 खंभों पर टिका हुआ है। कन्याकुमारी शक्तिपीठ में प्रतिमा। कन्याकुमारी शक्तिपीठ मंदिर में काले पत्थर से निर्मित माता की प्रतिमाएं स्थापित हैं जिनके दाहिने हाथ में एक वनमाला है। माता की यह प्रतिमा 16 श्रृंगार से सुसज्जित है जिनके दर्शन से ऐसा प्रतीत होता है कि माता 16 श्रृंगार करके आज भी भगवान भोलेनाथ की प्रतीक्षा कर रही हैं। मंदिर में मुख्य प्रतिमा की तरह ही माता रानी की एक उत्सव प्रतिमा भी है जो विशेष उत्सवों पर बाहर निकाली जाती है। इस दौरान देवी की सवारी या पालकी निकलती है। कन्याकुमारी माता का अवतरण। पौराणिक कथाओं के अनुसार पर असुरराज बलि के पौत्र बाणासुर ने भगवान भोलेनाथ की घोर तपस्या की। राक्षस लोग कभी भी भगवान भोलेनाथ को मना लेते थे, बहुत ही आसानी से मान जाते हैं भगवान भोलेनाथ। यही कारण है कि राक्षस लोग फायदा उठा लेते थे। यहाँ भी बलि के पौत्र बाणासुर ने घोर तपस्या की, भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो गए, दर्शन दिए, वर मांगने के लिए बोले। तब बाणासुर ने भगवान भोलेनाथ से वरदान में यह मांगा कि एक कुमारी कन्या के अतिरिक्त उसका वध कोई भी ना कर सके। भगवान भोलेनाथ उसकी इच्छा अनुसार उसे वरदान देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भगवान भोलेनाथ से वरदान प्राप्त करने के बाद बाणासुर का चारों तरफ आतंक फैलने लगा। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी को प्रताड़ित करने लगा।
बाणासुर के आतंक से परेशान होकर सभी लोग भगवान श्री हरि विष्णु से सहायता मांगने के लिए पहुंचे। भगवान विष्णु उन्हें आदिशक्ति की आराधना करने के लिए बोले। सब लोग मिलकर माता आदिशक्ति की आराधना करने लगे। उन सबकी आराधना से प्रसन्न होकर के माता आदिशक्ति बाणासुर के आतंक से संसार को बचाने के लिए कुमारी कन्या का अवतार लेने के लिए तैयार हो गई। लेकिन कन्या कुमारी के रूप में अवतरित होने के बाद भी आदिशक्ति माता का भगवान भोलेनाथ के प्रति भक्ति और प्रेम कम नहीं हुआ। भगवान भोलेनाथ से विवाह करने के उद्देश्य से माता कन्या कुमारी कठोर तप करने लगी। माता की तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन भी दिए और उनसे विवाह करने के लिए भी राजी हो गए। अब बड़ा गड़बड़ हुआ। शिव एवं शक्ति के विवाह का मुहूर्त भी निकाला गया। विवाह की तैयारी भी प्रारंभ हो गई। भगवान भोलेनाथ निर्धारित मुहूर्त पर कार्यक्रम के अनुसार कैलाश से बारात लेकर के भी निकल पड़े। बारात कन्याकुमारी से लगभग 12 किलोमीटर दूर सुचिंद्रम गांव में ठहरी। लेकिन कन्याकुमारी का विवाह होते देख देवतागण परेशान हो गए। यदि कन्याकुमारी का विवाह हो जाता तो वे कुमारी नहीं रह जाती और बाणासुर कांत नहीं होता। इसलिए देवतागण परेशान हो गए कि अब बाणासुर का वध कैसे होगा। माता तो विवाह करने जा रही हैं। यदि माता विवाहित हो गई तो बाणासुर को प्राप्त वरदान के अनुसार माता उसका वध नहीं कर पाएंगी क्योंकि वे विवाहित हो जाएंगी। पहले तो देवतागण माता को समझाने का प्रयास किए लेकिन जब बात नहीं बनी तो छल का सहारा लिए। विवाह का समय ब्रह्म मुहूर्त पर रखा गया था लेकिन नारद ने आधी रात को ही मुर्गे का रूप लेकर के बांग दे दी। शिव को लगा सुबह हो गई, अब वह मुहूर्त पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए भगवान भोलेनाथ बारात लेकर के वापस कैलाश पर लौट गए। उधर दुल्हन के रूप में तैयार देवी ने देखा कि बारात नहीं आई तो पहले तो दुखी हुई और कुछ ही क्षणों में क्रोध से भर उठी। उन्होंने बारात के लिए बना हुआ सारा भोजन समुद्र में फेंक दिया। बारात लौटने के बाद देवी कुमारी के दिव्य सौंदर्य की चर्चा बाणासुर तक पहुंच गई। उसने भी देवी के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। माता ने मना कर दिया। वह जबरदस्ती करने पर उतारू हो गया। तब बाणासुर और देवी में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान माता ने चक्र से बाणासुर का वध कर दिया। यही तो देवता चाहते थे, बाणासुर का वध हो गया। बाणासुर वध के बाद परशुराम और नारद जी ने देवी से कलयुग के आखिरी तक उसी स्थान पर रहकर आसुरी शक्तियों से लड़ने की प्रार्थना की। प्रार्थना स्वीकार भी हो गई। माता ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसके बाद परशुराम ने समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर की स्थापना की जहां माता को एक कन्या के रूप में प्रतिस्थापित भी किया गया। कन्या रूप में माता ने समुद्र के भीतर उभरी जिस शिला पर भगवान भोलेनाथ की तपस्या की थी उसे अब विवेकानंद रॉक के नाम से जाना जाता है। आज भी इस शिला पर देवी के चरण देखे जा सकते हैं जिसे तमिल में श्रीपद परई कहते हैं। अपनी अमेरिका यात्रा से पहले विवेकानंद जी इसी शिला पर बैठकर 3 दिनों तक ध्यान किया था जिसके बाद ही उन्हें शिकागो जाने की प्रेरणा मिली थी। कन्याकुमारी मंदिर का उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों से लेकर पुराणों और उपनिषदों में भी प्राप्त होता है। कन्याकुमारी शक्तिपीठ के त्यौहार, यदि आम दिनों की बात करें तो यहाँ प्रतिदिन एक त्यौहार जैसा प्रतीत होता है क्योंकि यहाँ प्रतिदिन दर्शन हेतु बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लेकिन 5 विशेष उत्सवों पर मंदिर में अत्यधिक भीड़ हो जाती है। इनमें से वैशाख उत्सव यहाँ का प्रमुख उत्सव है जो मई जून के महीने में पड़ता है। इस दौरान 10 दिन का धार्मिक उत्सव होता है जहां प्रतिदिन अलग अलग पालकियों में माता रानी की सवारी या जुलूस निकाली जाती है। इसके अलावा नवरात्रि, चैत्र पूर्णिमा, जुलाई के महीने की कृतिका नक्षत्र में पड़ने वाला 12 दिनों का कलाभम उत्सव भी महत्वपूर्ण है। शारदीय नवरात्रि और दशहरा के दौरान भी लगातार 10 दिनों तक अलग अलग पालकियों में देवी की सवारी निकाली जाती है। इसमें शेर, हाथी, घोड़े, कामधेनु, मोर, हिरण, तोते आदि के आकार में पालकियां होती हैं जिन्हें वाहन का नाम दिया जाता है। एक पालकी पूरी तरह से चांदी की है।
प्रत्येक पालकी का वजन लगभग 2 टन होता है। सोचिए कितना वजन होता होगा। इन्हें उठाने के लिए मंदिरों में 10 पंडित हैं जिन्हें पालकी पंडित कहते हैं। पालकियों को उठाते उठाते पालकी पंडितों के दाहिने कंधे पर स्थायी उभार सा बन जाता है जो यहाँ के सभी पालकी पंडितों के कंधों पर आपको देखने को मिल जाएगा। नवरात्रि के बाद 10वें दिन दशहरे के रोज देवी की सवारी घोड़ी की पालकी पर सवार होकर मंदिर से 5 किलोमीटर दूर महादानपुरम नामक गांव में जाती है जहां उन्होंने बाणासुर का वध किया था। वध से लौटकर देवी सागर में स्नान करती हैं, फिर मंदिर में प्रतिष्ठित होती हैं। दर्शन एवं पूजन का समय। यदि आप कन्याकुमारी शक्तिपीठ के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो वर्ष में किसी भी समय किसी भी महीने में जा सकते हैं। यह मंदिर पूरे वर्ष भर और सप्ताह के 7ों दिन दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु खुला रहता है। यह मंदिर दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु प्रातः 4 बजे से दोपहर के 12 बजे तक तथा सायं 4 बजे से रात्रि के 8 बजे तक भक्तों के दर्शन हेतु खुला रहता है। दोपहर में 12 बजे से सायं 4 बजे तक मंदिर का कपाट मंदिर का पट बंद रहता है। प्रातः 4 बजे माता को स्नान करा के चंदन का लेप चढ़ाया जाता है, उसके बाद उनका श्रृंगार होता है। अन्य दर्शनीय एवं तीर्थ स्थल। माता के दरबार के अलावा यहाँ आसपास में अनेक दार्शनिक स्थल भी हैं जिनका दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कुमारी मंदिर, शंकराचार्य मंदिर, तिरुवल्लुवर प्रतिमा, नागराज मंदिर, विवेकानंद रॉक एवं ऊंची ऊंची लहरों वाला सागर जैसे सिद्ध एवं दर्शनीय स्थल यहाँ पर हैं जिनका दर्शन लाभ आप बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आवागमन के साधन। यदि आप कन्याकुमारी शक्ति पीठ तक माता कन्याकुमारी का दर्शन करने आना चाहते हैं तो विभिन्न साधनों के माध्यम से यहां तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि निकटवर्ती रेलवे स्टेशन की बात करें तो कन्याकुमारी जंक्शन रेलवे स्टेशन जो कि कन्याकुमारी शक्ति पीठ से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। यदि निकटवर्ती हवाई अड्डे की बात करें तो दुर्गापुर एयरपोर्ट जो कि कन्याकुमारी शक्ति पीठ से 52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम जो कि कन्याकुमारी शक्तिपीठ से 82 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन एवं हवाई अड्डे से आप स्थानीय साधनों की सहायता से कन्याकुमारी शक्तिपीठ तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि सड़क मार्ग की बात करें तो कन्याकुमारी शक्तिपीठ का यह पावन मंदिर सड़क मार्ग के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप सड़क मार्ग का उपयोग करते हुए बस से, टैक्सी से अथवा स्वयं के निजी वाहन से यहाँ तक बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं। कन्याकुमारी माता का दर्शन कर सकते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने कन्याकुमारी शक्तिपीठ के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए जिससे कि कन्याकुमारी शक्तिपीठ के बारे में सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके और इस स्थल पर आकर के सभी लोग कन्याकुमारी माता का दर्शन लाभ प्राप्त करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर बहुला शक्तिपीठ के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय माता रानी की।